बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर मैथ्स टीचर फरवा हियर। जी बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे उनको डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी बेटा, अब अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है इसको। ये आपके पास स्टेटमेंट थी और ये ऑलरेडी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टेप वन हमारा ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में कि आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, यानी कि इक्वल टू जीरो बना लेना है। तो ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। देन आपका सेकंड स्टेप क्या होता है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एल टू मेक द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। तो हमने क्या करना होता है, इस एक्स स्क्वायर के साथ का जो लीडिंग कोफिशियंट है इसको हमने क्या करना होता है, वन बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को एल से हमने डिवाइड कर दी, जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म में जब एल एल से कैंसिल हो गया तो जस्ट एक्स स्क्वायर बच गया, यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था कि लीडिंग कोफिशियंट यहाँ पर वन बनना चाहिए, तो वो हमने बना लिया है। जी नेक्स्ट ये m ओवर l हो जाएगा, इस तरीके से ये n ओवर l, और साथ में इसके साथ x वेरिएबल इन्वॉल्व था वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट वो कहते हैं शिफ्टिंग कॉन्स्टेंट टर्म टू राइट। अब ये जो कॉन्स्टेंट टर्म n ओवर l है इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो ये पॉजिटिव थी, राइट साइड पे आने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगी। जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग द कोफिशियंट ऑफ x विद 1/2। अब आपका जो x का ये लीडिंग कोफिशियंट है, सिंपल कोफिशियंट, लीडिंग कोफिशियंट नहीं है, सॉरी बेटा, x का ये जो कोफिशियंट m ओवर l है इसको आपने क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। और ये आपने हर क्वेश्चन में करना है, प्रीवियस में भी हमने किया था, अब हम इसमें भी कर रहे हैं। तो ये x का कोफिशियंट था m ओवर l, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, m ओवर 2l, यानी कि m को जब 1 से किया तो m, l को जब 2 से किया तो 2l। देन ये जो आपके पास टर्म आ गई है m ओवर 2l, दिस टर्म, इस टर्म को आपने, इस टर्म का जो स्क्वायर होगा उसको आपने ऐड करना है बोथ साइड पे इक्वेशन वन के। तो जी बेटा यही लिखा, नाउ एडिंग m ओवर 2l स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन। जी बेटा, अब जब हम उसको ऐड करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया प्लस m ओवर l x एज इट इज आ गया। अब हमने इस लेफ्ट साइड पे भी प्लस के m ओवर 2l स्क्वायर ऐड कर दिया है, और इसी तरीके से राइट साइड पे भी माइनस के n ओवर l एज इट इज़ प्लस के m ओवर 2l होल स्क्वायर। हमने स्टेप खुद से किया है, बोथ साइड पे कर लेना। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, देखें ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमने बेसिकली इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, तो हमने इसको कौन सा फार्मूला बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए अब आप देखें किस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ, कि कैसे मेरा बन रहा है। ये जो मेरी टर्म है ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगी प्लस टू फॉर्मूले वाला, देन ए क्या होगा हमारा एक्स, बी क्या है मेरे पास ये जो स्क्वेयर की फॉर्म में, समझे, ये आपका ए स्क्वेयर है बेटा, ये आपका बी स्क्वेयर है। तो सबसे पहले आपने ए स्क्वेयर और ये बी स्क्वेयर लिख लेना है, सबसे पहले आपने ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर लिख लेना है। देन आपने प्लस का टू फॉर्मूले वाला, ये ए एंड ये बी। जी बेटा ये मैंने नीचे भी आपको जाहिर कर दिया है, ये ए लिख लिया मैंने, देन ये फर्स्ट सेकंड आपने ये बी स्क्वायर लिख लेना है, देन टू फॉर्मूले वाला, देन ए एंड बी, टू ए बी। तो जी बेटा ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जी बेटा ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, अब हम इसको लिख लेंगे। जी बेटा अब हमने इसको x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर लिख लिया है, इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m स्क्वायर, ये टू टूज आर फोर एंड देन l स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मैंने इस स्क्वायर को भी ओपन कर लिया है। देन फर्दर मैंने क्या किया बेटा, ये टर्म तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया,
ये इक्वल का साइन है और इसको सॉल्व कर लिया बेसिकली। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया आपने, एल, और जब 4L² का आप एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा ये बड़ी वाली रकम आती होती है, वो आएगा आपके पास 4L² जी बेटा। अब फर्दर ये जो 4L² था ये प्लस के M² ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आ गई, सवाल ये है कि ये वाला जो माइनस के 4NL आया ये किस तरीके से आया। तो जी बेटा आपने इसको इस तरीके से करना होता है, जो ये फ्रैक्शन फॉर्म में जो ऊपर वाली टर्म है इसको लिख दें माइनस के एन ओवर एल मल्टीप्लाइड बाई ये जो आपने एलसीएम लिया है 4L², तो आपने क्या करना है एल एल से कैंसिल हो जाएगा, एक एल कैंसिल हो जाएगा और एक यहाँ बचेगा, तो जी बेटा, और माइनस के एन मल्टीप्लाइड बाई 4L, तो ये क्या बन जाएगा माइनस के 4NL, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये वाली टर्म मल्टीप्लाइड बाई 4L², ये देखें ये वाली टर्म देन मल्टीप्लाइड बाई 4L², तो एल एल से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वेयर के फॉर्म में था, एक बच जाएगा माइनस 4NL, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी बेटा। देन अब आपने इसको सॉल्व कर लिया है, देन टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने ये स्क्वेयर रूट ले लिया है, जस्ट यहाँ पे मैंने इसको अरेंज कर दिया, ये पॉजिटिव M² था इसको पहले लिख दिया और माइनस NL मैंने बाद में लिख दिया, देन नीचे वही 4L² जी बेटा। अब ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें भी देखें बेटा, ये बेसिकली किसी का भी कंप्लीट स्क्वेयर रूट नहीं बन रहा था, तो इसको मैंने स्क्वेयर रूट के फॉर्म के अंदर ही लिखा है, ये बेसिकली 2L² जो है 4L² सॉरी, ये क्या है 2L बन रहा है, इसको अगर स्क्वेयर रूट ओपन करें तो क्या बनेगा 2L, तो जी बेटा ये हमने 2L लिख लिया है। देन मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव ML था, जब राइट साइड पे जाएगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और आपको पता है यहाँ पे भी 2L है नीचे डिनोमिनेटर में, यहाँ भी 2L है, तो हमने इनको कंबाइन करके लिख दिया, बाकी ऊपर वाली टर्म माइनस के एम प्लस माइनस ये वाली टर्म एज इट इज़। तो जी बेटा हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हम कर चुके हैं, तो हमारे पास सोर्स दैट इज़ दिस जी बेटा, ये आपका आंसर है जी बेटा। बाकी सारे पार्ट्स सिमिलर हैं, आप इनको करें, इसमें किसी भी किस्म का इशू हो तो मैं ऑनलाइन हूँ, आप मेरे से डिस्कस करें, और बाकी पार्ट्स की मैं आपको पिक्स बनाकर भेज रही हूँ।